नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 28 साल सर्विस किया हुआ सुभेदार रैंक का ओआरपी 3 के बाद जो रिटायरमेंट हुआ उनके लिए ओआरपी 2 से भी कम पेंशन मिल रहा है। इनको जो भी पेंशन मिला हुआ इन जो कैलकुलेशन है इनका सर्विस में बेसिक पे का हिसाब से जो पेंशन मिल रहा है वो सही मिल रहा है, लेकिन जो ओआरपी 2 और ओआरपी 3 से जो मिनिमम मैक्सिमम का जो एवरेज पेंशन है उससे कम मिल रहा है। ये ओआरपी 2 से इनको जो पेंशन मिल रहा है वो बिल्कुल कम मिल रहा है। इनका जो कैलकुलेशन है उसमें डिटेल में देखेंगे। आज जो पेंशन इनको कम मिल रहा है ये फ्यूचर में अगला जो ओआरपी 4 आने से नहीं तो बीच में कोई पेंशन रिविजन मतलब पे कमीशन का जैसा कोई पेंशन रिविजन होने से उसमें से इनको कितना नुकसान हो रहा है इनका जो डिटेल कैलकुलेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी तरह कम पेंशन मिल रहा क्या आप चेक कर लेना, चेक करके अगर आपको कम मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं कंप्लेन करके ग्रीवेंस डाल के आपका जो पेंशन रिविजन है वो सही करने के लिए कोशिश करना। आज हम ओआरपी 2 और ओआरपी 3 का जो गलत रिविजन है उसको हम एक्सपोज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले बार देखने वाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके चैनल का और पेंशनर का मदद कर लेना। तो ये इन्होंने 28 साल सर्विस किया हुआ सुभेदार रैंक का इन्होंने जो पेंशन आया था वो ओआरपी 3 रिविजन होने के बाद मतलब डेट ऑफ डिस्चार्ज है वो 31 अगस्त 2024 में आया था इन्होंने, 1 जुलाई 2024 से क्या ओआरपी 3 इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। जो इनका पे लेवल है L07 है सुभेदार के लिए L07 रहेगा, नाइक सुभेदार के लिए L06 रहेगा, हौलदार के लिए L05 रहेगा, ऐसी पे लेवल इनका L07 है। जो इनका एक्चुअली पेंशन मिल रहा है अभी वो क्या है ओआरपी 2 से कम मिल रहा है, मतलब ओआरपी 2 में जो 28 साल सर्विस किया हुआ सुभेदार रैंक के लिए जो पेंशन था वो 29,700 है, वो 1 जुलाई 2019 का पहले जो भी पेंशन आया 28 साल सुभेदार का उनको ये पेंशन मिला होगा। अभी जो ओआरपी 3 का हिसाब से जो बेसिक पे मिनिमम मैक्सिमम जो एवरेज बेसिक पे निकला हुआ 1 जुलाई 2024 से वो 30,175 रुपये उनका जो अभी जो 28 साल का सुभेदार है उनको बेसिक पेंशन मिलेगा। लेकिन जो इन्होंने ओआरपी 3 के बाद इन्होंने पेंशन आया 31 अगस्त 2024 को इन्होंने रिटायर आया, इनको जो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज कैलकुलेशन है मतलब 2023 का जो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज है इनका मैक्सिमम लेवल में होना चाहिए, लेकिन इनका मैक्सिमम लेवल से मतलब लोअर से भी इनको कम हो रहा है इसमें देखेंगे, क्योंकि जो 2019 का मिनिमम मैक्सिमम एवरेज है उससे भी इनको कम हो रहा है। इनका जो बेसिक पे का हिसाब से जो इनका पेंशन कैलकुलेशन किया था वो देखेंगे, जो ऑन सर्विस में इनका बेसिक पे था वो 53,600 था इनका बेसिक पे, 5,200 है ये MSP है, दोनों मिलाने से इनका 58,800 बन रहा मतलब MSP और बेसिक पे मिला के दो में डिवाइड करने से इनको जो पेंशन अमाउंट मिल रहा है वो 29,400 रुपये इनका जो बेसिक पेंशन है इनको बराबर मिल रहा है इनका बेसिक पे का हिसाब से। लेकिन जो बेसिक पे है इनका जो कम होने की वजह कहीं ना कहीं इनका इंक्रीमेंट है वो कहीं डाउन हुआ, जो ऑप्शन सर्टिफिकेट है उसमें गलत में करके इन्होंने एक इंक्रीमेंट नहीं तो दो इंक्रीमेंट इनको कहीं ना कहीं कम हुआ, इसका वजह से इनको ये पेंशन क्या कम हो रहा है। अभी जो ऑन सर्विस में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आप लोग पेंशन आ रहा है अभी जो इसके बाद जो पेंशन आने वाला वो और पित्री से आप पेंशन कैलकुलेशन में वो और पित्री से कम आ रहा तो आप पक्का अपना यूनिट से नहीं तो अपना रेजिमेंट से मेरे को वो और पी टू से पेंशन कैसे मिलेगा, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम एवरेज से हम क्या आप लोग जो अभी पेंशन आने वाला मैक्सिमम रेंज में रहेगा, क्योंकि 2023 में जो दिसंबर में रहने आया हुआ पेंशनर मैक्सिमम रेंज में, जनवरी में आया हुआ पेंशनर वो मिनिमम रेंज में, 2023 के बाद आप लोग आया तो आप लोग मैक्सिमम रेंज में रहेगा, फर्क आने से आप लेकिन इतना फर्क क्या आना नहीं था आपको, मतलब ओआरपी 2 से भी कम पेंशन नहीं मिलेगा आपको, ओआरपी 2 से अधिक पेंशन मिलेगा। सो इसका वजह से जो इनका पेंशन कैलकुलेशन हिसाब से इनको जो अमाउंट मिल रहा है 29,400 है ये सही मिल रहा है, लेकिन जो इनका लॉस हो रहा है ओआरपी 2 का हिसाब से 29,700 से ये 29,400 माइनस करने से इनको जो 3 प्लस डी ए अभी भी इनको प्लस डी ए ओआरपी 2 का हिसाब से कम हो रहा है। अगर ओआरपी 3 का हिसाब से मतलब ओआरपी 3 का इधर हमने क्यों लिया, मिनिमम मैक्सिमम का जो एवरेज है इन्होंने मैक्सिमम लेवल में होना चाहिए, ये क्या मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज अमाउंट है, ये मिनिमम कम होगा मैक्सिमम ज़्यादा होगा, वो मैक्सिमम अमाउंट में इनका होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ज़्यादा होगा तभी ये एवरेज अमाउंट आया, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए इनका, लेकिन इससे कम हो रहा है ओआरपी 2 से इनको
कम हो रहा है। ये 30,175 रुपये से 29,400 को माइनस करने से 775 इनको अभी ओवर पे 3 से कम हो रहा है, प्लस इसका डीए जो पर महीना में इनको जो अभी फिलहाल ओवर पे 3 का हिसाब से 1186 रुपीस इनको कम हो रहा है जो डीए और ये बेसिक मिला के। जो 2029 में अगर ओवर पे 4 आएगा तो उसी टाइम इनको पेंशन रिविजन होगा, मतलब उस टाइम बढ़ेगा। बीच में अगर 8 पे कमीशन आएगा, नहीं तो अक्राइड पहले में जो भी वो रिविजन होना वो अलग है। अगर बीच में कुछ भी नहीं आया 2029 में और भी 4 में ही इनको पेंशन रिविजन हो रहा तो 5 साल का बराबर इनको फर्क आएगा, 5 साल का इनका नुकसान होगा। वो 5 साल में महीना में 1186 रुपीस महीना में कम हो रहा है तो 60 महीना में इनको 71,160 रुपीस उनको पूरा नुकसान हो रहा है। मतलब अभी हमने क्या, मतलब 53% का डीए हमने कैलकुलेट किया हुआ, ये बढ़ेगा तो ये अमाउंट भी क्या इनको बढ़ेगा। अगर बीच में इनको मतलब अभी 7th पे कमीशन आया उसी तरह 8th पे कमीशन में इनको पेंशन रिविजन हो रहा है तो उसी तरह ये जितना बेसिक है ये अमाउंट क्या इनको कम ही होगा, क्योंकि इनका जो कोई भी पेंशन रिविजन होगा वो 29,400 का हिसाब से इनको पेंशन रिविजन होगा। अगर बीच में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो अभी पेंशन मिल रहा है यही पेंशन इन्होंने आगे तक ले रहा है, मतलब अगला जो भी रिविजन होगा तब तक कोई भी कंप्लेन रेज नहीं किया, कोई भी कार्रवाई नहीं किया, इनको यही पेंशन मिल रहा तो इतना अमाउंट क्या इनको जो भी रिविजन होगा उसका बेसिक पेंशन में कम होगा। मतलब इतना बेसिक पेंशन कम हो रहा तो मतलब अभी जो 7th पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट रेशियो में हमारा जो मल्टीप्लाई हुआ था, इसी तरह अगर 8वां पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मान लो 1.5% भी इनका फिटमेंट फैक्टर बैठ के मल्टीप्लाई हो रहा तो जो ये 1.5 का इतना अमाउंट क्या कम ही होगा। सिर्फ इनका जो अमाउंट है पेंशन रिविजन है ये 29,400 के होगा। मतलब कुल मिला के कैसे भी देखने से ये पेंशनर के क्या किसी भी तरीके से आप देखेगा नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि ओवर पी 2 से इनका पेंशन कम है। ओवर पी 3 तो छोड़ दो, क्योंकि जो 1 जुलाई 2024 का पहले पेंशन आया उनको ओवर पी 3 लागू है, इन्होंने बाद में आया उसको भी छोड़ देंगे, लेकिन ओवर पी 2 से कैसे इनको कम मिल सकता है ये मेरा सवाल है। ऑन सर्विस में इन्होंने सही इंक्रीमेंट किया, जो ऑप्शन सर्टिफिकेट में बराबर डाल के जुलाई नहीं तो जनवरी जिसमें इनको फायदा हो रहा है उसी तरह इन्होंने कैलकुलेट करके अपना इंक्रीमेंट डेट को बदल के अपना इंक्रीमेंट को बढ़ा हुआ तो इनको जो ये नुकसान नहीं होना था इससे ज़्यादा होना था, क्योंकि जो 30,175 से इनको पेंशन पक्का ज़्यादा मिलना था इन्होंने मैक्सिमम लेवल में था, क्योंकि 1 जुलाई 2024 के बाद जो आया उनको मैक्सिमम लेवल में लेना था मिनिमम मैक्सिमम एवरेज का कैलकुलेशन के हिसाब से ओआरपी का। जो इस वीडियो में मैंने जो समझाने के लिए आया था, ऑन सर्विस में जो भी आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका जो इंक्रीमेंट डेट है वो सही है क्या देखना। अगर आप वो अभी जो पेंशन आ रहा है, मतलब जो ओवर पी 3 के बाद जो आप पेंशन आ रहा है, अगर ओवर पी 3 से आपको पेंशन कम मिल रहा तो आपका इंक्रीमेंट क्या कहीं गड़बड़ हुआ, उसको सही करके अपना इंक्रीमेंट बढ़ा के सही बेसिक पेंशन के साथ आप आउट होगा, तभी ये इसी तरह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया था ये अगर आपको समझ में आया, नहीं तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल का मदद करना। पहले बार चैनल को देखने वाला चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बायलिंग के लिए शेयर करके चैनल का मदद करना। इस वीडियो को आगे तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह दूसरे वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।